हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तुम खराब इंसान के साथ में रहोगे तो खराब बन जाओगे। एक कहावत भी है जहाँ पर एक पूरी जो है आम जो है वो सारे अच्छे आम है, लेकिन एक सड़ा हुआ आम उसमें अगर आ जाता है तो वो एक सड़े हुए आम की वजह से सारे के सारे आम जो है वो सड़ जाते हैं, इमेज उनकी ख़राब हो जाती है। चाहे वो घर पर हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो स्कूल में बच्चों की बात हो, या फिर कोई अपने कलीग्स की बात हो, या फिर बिग बॉस के घर की बात हो। बिग बॉस के घर की बात, राहुल महाजन कुछ ऐसा ही कह गए सभी को, जो कि घर वाले हैं उनको कहते हैं कि अर्शी खान के साथ मत रहो, तुम्हारी इमेज खराब होगी। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं आपको सारी खबर सुनाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी, किमचो के रोहाल का सकार, मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर दबा दें। जी हाँ, यूं यानी कि घंटी दबानी है आपको तो बस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अर्शी खान जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैला रही है बिग बॉस के घर के अंदर। ये सिर्फ फैंस को ही नहीं, ये सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं, बिग बॉस के मेकर्स को ही नहीं, वहाँ के अंदर के जो को कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी लग रहा है। मनु पंजाबी को लग रहा है, जासमीन भसीन को लग रहा है, अली गोनी को लग रहा है, एजाज खान को छोड़ दीजिए, एजाज खान उनकी टीम में है लगता है। राहुल महाजन छुप छुप के अपनी गेम खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सही गेम खेलते हैं। सभी को कहते हैं, कश्मीरा शाह को कहते हैं कि यार क्या हो गया, तो कश्मीरा शाह कहती है यार वो बेचारी अकेले बैठी है, तुम उसके साथ जाकर अंदर बैठो ना। तो वो कहता है यार मैं क्यों बैठूँ, मेरा क्या लेना देना उसके अंदर, मेरे को उसके साथ नहीं बैठना है, मेरे को अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना है। कहीं ना कहीं राहुल महाजन उनको ये भी समझाते हैं कि तुम भी मत बैठो, बाहर जो तुम दिखोगी ना बहुत गंदी दिखोगी, बहुत ख़राब दिखोगी। इससे पता चलता है कि राहुल महाजन क्या कहना चाहते हैं। राहुल महाजन हमारे कहना चाहते हैं जो भी अर्शी खान के साथ में रहेगा उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी, यानी कि अर्शी खान को कहीं ना कहीं सड़ा हुआ आम कह रहे हैं और बाकी कंटेस्टेंट्स को आम कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में लिख के। मैं हूँ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।